हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपने वीडियोस में अलग अलग तरीके के व्यूज़, अलग अलग तरीके की जानकारियां, कभी मशीन के बारे में, कभी प्लेसेस के बारे में लाता रहता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं इंडिया की शान, पूरे विश्व की धरोहर, एक अजूबा, वन एंड ओनली ताजमहल। ये है खूबसूरती का नज़ारा, ताजमहल। जिसको के एक मोहब्बत की मिसाल के रूप में देखा जाता है। यहाँ सरकार ने बहुत ही सुंदर इंतज़ाम किए हैं, हरियाली बहुत है। देखिए, ये गार्डन है उसके सामने। इस गार्डन में अलग अलग तरीके के पेड़ लगाए गए हैं, पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं। इस तरह से साइड में ये स्विच रहता है, इस स्विच को दबाने के बाद ये पानी निकलता है इसमें से। पानी पिया जा सकता है, मैंने भी पानी पिया। अभी आपको लेके चलते हैं आप एट लास्ट ताजमहल की तरफ। देखिए, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं। फ़ोटो शूट सबसे ज़्यादा चल रहा है और मैं समझता हूँ यही एक प्लेस है आगरा के अंदर जहाँ पे आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग मिल जाएंगे। देखिए, बहुत लोग हैं यहाँ पे और इसके सामने का नज़ारा है। देखिए, ये इसका एंट्री गेट है। ये मैं दिखाता हूँ, ये इसका एंट्री गेट है जहाँ से लोग आते हैं, ठीक है। और यहाँ से सीधा होके ये वो सेल्फी पॉइंट बोल सकते हैं या वो चबूतरा बोलते हैं जहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचाई जाती है। वहाँ के बाद में फिर ये सुंदर नज़ारा और ताजमहल आपकी आंखों के सामने। ताजमहल जितना खूबसूरत है उसका संरक्षण भी उतने ही खूबसूरत तरीके से ही किया जाता है, देख रेख भी सरकार उतना ही करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये पेड़ है, जैसे विलायती सैमल, ये विलायती सैमल का पेड़ है जो यहाँ पे लगाया गया है। बहुत ही खूबसूरत पेड़ लग रहा है ये। ये कौन सा पेड़ है मैं दिखाता हूँ आपको। एक और पेड़ है जिसका कुछ नाम है, मौलसरी। मौलसरी है ये, देखिए, मिमोसॉप्स सेलेंजी मौलसरी, ये पेड़ है। ये सभी ताजमहल के परिसर में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं वो हैं। ये भी मौलसरी है, फीकस बेंजामिया, ये है। ये ताज संग्रहालय है जहाँ पे ताज से संबंधित चीज़ों को संभाल के रखा गया है। देखिए, ये है वो ताज संग्रहालय। और इसके बाद में फिर ये सुंदर पौधों को संरक्षित किया गया है। मौसम थोड़ा सा गर्म है, बादल भी हो रहे हैं, पक्षियाँ कलरव कर रहे हैं। और ये ताजमहल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपके सामने, ये है ताजमहल। जिसके लिए शाहजहाँ ने अपनी पूरी दौलत न्योछावर कर दी थी, ये वही ताजमहल है जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसको ऐसा बोला जाता है, इसमें जो बनाने वाले इसके लोग थे वो ईरान से आए थे,
कुछ इराक से आए थे, सऊदी अरब से पत्थर आए थे, पता नहीं अलग अलग देशों से, अलग अलग देशों से ये पत्थर मंगाए गए थे। उसके बाद मकराना पत्थर है, इराक का पत्थर है, ईरान का है, अफ़गानिस्तान से भी बहुत सी चीज़ें लाई गई हैं इसमें, फिर जाके इसका निर्माण हुआ है। ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा था और 20,000 मजदूर यहाँ पे रोज़ काम करते थे, तब जाके ताजमहल बन सका। इतना खूबसूरत ताजमहल है कि आज वो अजूबों में इसकी गिनती है, वंडर्स में गिनती है उसकी। लोग पता नहीं कहाँ से उसको देखने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसने ताजमहल के बारे में न सुना हो या ताजमहल घूमना वो नहीं चाहता हो। ताजमहल है ही इतना खूबसूरत कि व्यक्ति एक बार यहाँ पे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आना चाहता है। देखिए ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना शानदार भी है। यहाँ आने के लिए सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप कहीं से भी, पूरी दुनिया में कहीं से भी आप फ्लाइट से आ सकते हैं। आगरा में ये स्थित है, भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ पे आगरा शहर में ताजमहल स्थित है। आगरा आने के लिए आप, अगर आप फॉरेन से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको दिल्ली एयरपोर्ट या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में दिल्ली पे आना होगा, उसके बाद में आप आगरा का खेरिया एयरपोर्ट है उस पे आ सकते हैं और वहाँ से वेल कनेक्टेड है। प्राइवेट जितने भी ये जो भी टैक्सी कंपनीज हैं उनका टैक्सी है, प्राइवेट लोगों का टैक्सी है, ADA आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी वाहन चलाए जाते हैं, उसके थ्रू आप आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा है ये और अच्छी सुविधाओं के साथ है, लोग घूमने का बहुत अच्छा एक स्थान है। कोई व्यक्ति अगर अपना प्लान कर रहा है यहाँ आने का तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा प्लेस है घूमने के लिए, आपको ज़रूर आना चाहिए। ताजमहल की खूबसूरती के एक बार निहारना चाहिए। ताजमहल का नाम जितना खूबसूरत है देखने में उतना ही खूबसूरत लगता है। ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, कलाकृति बहुत ही सुंदर हुई है इस पे। इसके ऊपर ये कलश, तीन कलश लगे हुए हैं, चारों तरफ चार मीनार लगी हुई हैं जो कि बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, जिससे कि कभी अगर कोई आंधी तूफान अर्थक्वेक या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो ये मीनार बाहर की तरफ ही गिरें, अंदर न गिरें, जिससे कि ताजमहल को क्षति न पहुंचे। इसके बाईं तरफ ये मेहमान खाना है, एक तो गेस्ट हाउस, और इसके दाईं तरफ ये जो है मस्जिद है। जितने भी वर्कर्स यहाँ काम करते थे तो वो यहाँ पे मस्जिद में वहीं की वहीं नमाज़ अदा करने के लिए, कहीं बाहर न जाना पड़े उनको इसके लिए। ये उसके सामने फाउंटेन्स लगे हुए हैं, सभी के से फ़िलहाल बंद हैं लेकिन चलते हैं ज़्यादातर मौक़ों पे। ये फाउंटेन्स हैं, आगे गार्डन भी है। पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही सुंदर किया था मुग़लों ने यहाँ पे। पानी जब भी बरसता है तो उस पानी को संरक्षित किया जाता है, और इस चबूतरा जो ऊपर का बना हुआ है उसी चबूतरे में उन्होंने नालियाँ दी हुई हैं नीचे की तरफ, उस पानी को लेके फिर पत्थर की ही नालियों के थ्रू उसको यमुना रिवर में पहुंचा दिया जाता है। ताजमहल के बारे में बहुत से फैक्ट हैं, वो एक छोटे वीडियो में तो नहीं हो सकते, लेकिन जितना भी है मैंने तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया है। यहाँ सरकार ने अलग अलग प्रजातियों के कई प्रकार के पौधे यहाँ लगाए हुए हैं, उन सभी का नाम, उन सभी के बारे में जानकारियाँ दी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए साउथ के लोग भी बहुत आ रहे हैं, और साउथ के साथ साथ साउथ है, देखिए मैं साउथ एक नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया के प्रत्येक पार्ट से लोग हैं, पूरे विश्व के हर जगह से लोग आए हुए हैं, और उसमें भी हर तरह के धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, सभी मुझे तो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जितने भी हो सकते हैं बौद्ध, जो भी लोग हो सकते हैं। और ये विविधता में एकता का एक प्रमाण है ताजमहल। और ऐसे जितने ही मॉन्यूमेंट होते हैं उन सभी मॉन्यूमेंट्स को ही हमें थोड़ा सा
संरक्षित करना चाहिए। ऐसे और भी भारत में बहुत से स्थान हैं जिनको कि हम डेवलप कर सकते हैं, पर्यटकों के लिए बहुत ही लुभावना बना सकते हैं। फोर्स बहुत तैनात है यहाँ पे, सिक्योरिटी का बहुत इंतज़ाम है। देखिए फोर्स जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको फोर्स, प्राइवेट चाहे सिक्योरिटी हो चाहे सरकारी सिक्योरिटीज़ हो, बहुत हैं। आप पूरी तरह से चेकिंग करने के बाद ही इसमें एंट्री मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैसे भी नहीं आ सकता है यहाँ पे। तो ये सभी पूरा परिसर है ताजमहल का, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर में ही दिखाने का प्रयास किया है। बाकी आपको हमारा ताजमहल कैसा लगा, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे सपोर्ट करने के लिए, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।